अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक अहम ख़बर के साथ मैं आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि दुश्मनों का मंसूबा आज नाकाम हो गया। खुफिया एजेंसियों की इतला के मुताबिक मौलाना की जान को सख्त तहफ़ुज़ात दरपेश थे और एजेंसियों की इतला पर मौलाना ने अपना धरना प्लान ए और प्लान बी समेत पुरअमन तरीके से ख़त्म कर दिया। इतलात के मुताबिक दुश्मनों का मनसूबा था कि मौलाना को नुकसान पहुँचा कर मुल्क में अनारकी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और उलमा इकराम और अवाम को आपस में लड़वा दिया जाए और मुल्क की साख को आलमी सतह पर मुतासिर किया जाए। रियासती इदारों की बरवक्त इतला और कार्रवाई से मुल्क एक अंदरूनी बहरान से बच गया। तो दोस्तों, ये वही मौलाना हैं जो कहा करते थे कि हम इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाएंगे, चाहे लाशें गिरें या मुल्क जाता है तो जाए। आज जब अपनी जान पर आई तो धरना तमाम रानाइयों के साथ धरा का धरा रह गया। लेकिन चलें, एक चीज़ अच्छी हुई, इस बहाने कम से कम बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद की सैर तो कर ली। आज मैं अपनी बात एक शेर पे ख़त्म करूँगी। ऐसी भी किस्मत होती है, ऐसी भी बलाएं आती हैं। ऐसी भी किस्मत होती है, ऐसी भी बलाएं आती हैं। जब नाव किनारे पर पहुँची, धरने के दावे डूब गए। जब नाव किनारे पर पहुँची, धरने के दावे डूब गए। और मौलाना रूठ गए, और मौलाना रूठ गए।